नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवा में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज की अपनी रचना का शीर्षक है कवि न दीजे कांबली। नागरचाला गांव में एक रात सांगा गोड़ के घर रुककर ईश्वरदास जी जब सुबह रवाना होने लगे तो सांगा गोड़ की माँ ने उनसे विनती करी और बोले कि बाजी, इस समय मेरे पास ओडावणी के अंदर देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप देसाटन से जब वापस लौटें तो मेरे घर होकर पधारें, तब तक मैं आपके लिए ऊन काट कर उसकी कंबल तैयार रखूंगी और आप अपनी ओडावणी लेकर ज़रूर पधारें। ओडावणी का मतलब भेंट वस्त्र होता है जो अपने घर पे आने के लिए कवियों को या अपने सम्माननीय लोगों को दिया जाता था। ईश्वरदास जी ने कहा हाँ ठीक है और देसाटन के लिए आगे चल गए। लोकाख्यानों के अनुसार और किंवदंती के अनुसार इधर बछड़े चराते समय किशोर सांगा गोड़, जो उस बूढ़ी लुगाई का पुत्र था, वो नदी की बाढ़ के अंदर बह गया और कहते हैं कि नदी में डूबते उतरते किशोर ने अपनी माँ से कहा ईश्वरदास जी को कम्बल ज़रूर दे देना। इस बात ने कवियों को इस तरह से अमर कर दिया और कहा गया है जल डूबते जाए सादे जे सांगलिए दियो के जो मारी माए कवि न दीजे कांबली। 4-6 महीने के भ्रमण के बाद जब वे नागरचाला गांव में वापस आए तब संध्या गहरी हो गई थी। सांगा गोड़ की माँ ने उनसे भोजन करने का आग्रह कहा। तब ईश्वरदास जी ने कहा माँ सांग जी आवे फिर दोनों साथ बैठ रही भोजन कर श्या। बिचारी डोकरी ने 2-4 बार आग्रह किया और ईश्वरदास जी ने बार बार एक ही उत्तर दिया माँ सांग जी आवे फिर दोनों साथ ही बैठ भोजन कर श्या। अंततः आंसू टपकाती डोकरी को कहना पड़ा कि बाजी, अब सांगा नहीं रहा, वह तो आपके जाने के बाद बरसाती नदी में जब बाढ़ आई तो बाढ़ की भेंट चढ़ गया। हाँ, उसने डूबते हुए आपको कंबल देने की ज़रूर आवाज़ लगाई थी। यह कहकर सांगा गोड़ की माँ सुबकने लगी। जब सारा माजरा देखा ईश्वरदास जी विचारमग्न हो गए। वे उठे और झोंपड़े से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने सांगा गोड़ की माँ को आवाज़ लगाया और कहा माँ बाहर आओ, देखो कौन खड़ा है। माँ ने बाहर आकर के देखा कि बछड़े की पूंछ पकड़े हुए उसका बेटा खड़ा है। डोकरी ईश्वरदास जी के चरणों में गिर पड़ी, फिर उठी और अपने पुत्र को छाती से लगाकर सुबकने लगी। लोगों ने इसे ईश्वरदास जी की भक्ति का चमत्कार माना, इसलिए आज भी भक्त परवर ईश्वरदास जी को ईश्वरा परमेश्वरा कहकर लोग सम्मान देते हैं। जो चमत्कार में विश्वास नहीं करते वे इसे संयोग माने। पर डूबा हुआ किशोर सांगा किसी तरह से बच गया और उस दिन वापस घर आ गया। जिस दिन भक्त परवर ईश्वरदास जी लौट के उसके घर आए थे, सांगा गोड़ की कंबल लोक में इस जगत में महर्षि दधीचि की अस्थियों के दान की बराबरी करती है। और राजस्थानी साहित्य के अंदर कमाल का दोहा लिखा गया है जिसके अंदर कहा गया है कांबल सांगे गोडरी हाड ददीच कहाय करहा मूल कमदरा जाता जुगा न जाए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पहले जब ओडावणी देते थे, कवियों का सम्मान करते थे और सम्माननीय लोग साधु संतों का जब सम्मान होता था तो उनके पास उस हिसाब की चमत्कारिक शक्तियाँ भी हुआ करती थी। ऐसे किस्सों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल किस्सों का कारवा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।